नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची महरा और लेकर आई हूं आपके लिए एमकेएन की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे पानी पानी राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई बारिश ने घंटे भर के भीतर ही निगम प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। लगातार जी रोड के नालों की सफाई करने के बावजूद यहां हर बार यही दृश्य नजर आता है। बारिश में सड़क गायब हो जाती है, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है, मानो यहां सड़क नहीं स्विमिंग पूल हो। रहवासियों का कहना है कि नगर निगम ने बारिश से पहले नालों और नालियों की सफाई नहीं कराई, जिससे मामूली बारिश होने पर भी नालों की गंदगी सड़क पर आ जाती है। ऐसे में रहवासियों का बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ नालों और नालियों की सफाई ना होने से राजधानी के कई मोहल्ले बारिश में ही डूब गए हैं। आपको बता दें, रायपुर में तेज बारिश होने से शहर के कई इलाके कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिसमें महादेव घाट से भाटा गांव, घड़ी चौक, शंकर नगर, राजेंद्र नगर, गुड़ियारी ब्रिज सहित कई जाने वाली सड़कें पर पानी भर गया है। और इतना पानी भर गया है, लेकिन निगम मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों ने आज तक जल निकासी की व्यवस्था करने की जहमत नहीं उठाई है, जिसका खामियाजा अब रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी गली जो बना हुआ है पुरानी बस्ती में, काफी ऐसा लगता है कि ये जगह गड्ढे हैं, जिस पर अगर थोड़ा से भी बारिश अगर तेज होता है तो यहाँ पर पानी का बहाव जल स्तर थोड़ा बढ़ जाता है और नालियों में ना बहकर जो रोडें बनी हैं, गलियां बनी हैं, उसके ऊपर से पानी चलती है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रायपुर शहर में लगातार बारिश होने से कुछ जगह पर जहां लगातार जल भराव होता है पिछले 10-15-20 साल से, वहां पुनः जल भराव हुआ है और हमारा प्रयास ये है कि वापिस 1-2 घंटे में स्थिति वापस सामान्य हो जाए, क्योंकि रायपुर में ड्रेनेज सिस्टम का एक नया कोई प्लान लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जिस प्रकार से सुबह से लगातार बारिश हो रही है और अभी बीच में लगभग 4 बजे तो बहुत जोर से बारिश हुई, जिसके कारण कई घरों में भी रायपुर शहर के पानी घुस रहे हैं और हम पूरे रायपुर के नगर निगम की टीम पूरी प्रयासरत है कि जितने जल्दी से जल्दी जो जल भराव वाले एरिया है उनको वापिस सामान्य किया जाए। विकास के तमाम दावे करने वाली सरकार के ऊपर अब यहां पर देखने में आ रहा है कि सारे दावों पर अब पानी भर गया है। शहर में पानी है, कॉलोनियों में पानी है, बाजारों में पानी है, हर जगह पानी भरने से मामूली बरसात के बाद ये पानी शहरों में और हर जगह भर गया है, जिसके कारण लोग अब परेशान हो रहे हैं। वहीं नगर निगम द्वारा यहां पर तमाम दावे किए जाते हैं कि समय रहते सारी सुविधाएं दी जा रही है, सभी व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन यहां थोड़ी सी ही बारिश में देखने में आ रहा है कि शहरों में सड़कों पर पानी भर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और इतना पानी भरने के बावजूद यहां पर लोग कई परेशानी का इससे सामना कर रहे हैं। लोगों को आवाजाही में यहां परेशानी हो रही है, पानी भरने से वाहन निकालने में भी काफी जद्दोजहद यहां लोगों को करनी पड़ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं जो सड़कें हैं वहां पर इतने गड्ढे हैं और गड्ढों के कारण यहां पर उन गड्ढों में भी पानी भर गया है, जिसके कारण यहां हादसे होने का जो खतरा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें आसपास के क्षेत्रों में भी इतना पानी भर गया है, जिसके कारण लोग अपने घरों से भी यहां पर बाहर निकलने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सीवरेज का पूरी तरीके से सही प्रबंधन न होने के कारण इस तरीके की यहां पर समस्याएं आ रही है और लोग यहां परेशान हो रहे हैं और इस तरीके की स्थिति यहां पर बन रही है। वहीं नगर निगम द्वारा हर बार ये बात कही जाती है कि बारिश के पहले तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है सब पूरी तरीके से कर ली गई है और आने वाले समय में बारिश होने के बावजूद भी यहां लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन सभी दावों पर पानी फिरता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और सभी दावे जो हैं वो पानी में बह गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घर चौखट तक यहां पर पानी भरा हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है, बाहर जाने में लोगों को परेशानी है। वहीं
बाजारों के साथ ही कई कॉलोनियां यहां पर है जहां पर इस तरीके से पानी भर गया है और ऐसे में रहवासियों का बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कई इलाके ऐसे हैं, कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर पानी भर गया है, जिनमें खास तौर पर महादेव घाट, भाटा गांव, घड़ी चौक, शहर नगर, शंकर नगर, राजीव नगर, गुड़ियारी ब्रिज सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है और पानी भर जाने से लोगों की समस्याएं काफी बढ़ गई है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि विकास के नाम पर यहां पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है लेकिन सामने कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि जनता आखिरकार यहां परेशान हो रही है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश तिवारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सरकारी और नगर निगम के जितने भी यहां पर दावे हैं, विकास के दावे हैं, उन सब पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। कहां गए वो सारे विकास के दावे और तमाम सुविधाएं देने के जो दावे नगर निगम द्वारा किए जाते हैं, सभी की यहां पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज लगातार 2 घंटे की जो बारिश है और आफत की जो बारिश है वो होने वाली हो गई है, उसकी वजह से जो नगर निगम से जो पानी है लगातार इधर से उधर फैलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि सड़क के ऊपर पानी आ जा रहा है और इसके साथ साथ हम देखने को ये भी मिल रहा है कि लोग जो कभी सबसे बड़ी जिम्मेदार होंगे। लेकिन यहाँ आज शनिवार जैसे कई ऐसे हमारे अभी अखिलेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उनसे संपर्क हमारा यहां पर टूट गया है। वहीं आपको बता दें कि निगम के तमाम दावों की यहां पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमाम दावे यहां पर निगम द्वारा किए जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा चुकी है, बारिश के पहले भी जितनी व्यवस्थाएं यहां की जानी चाहिए वो की जा चुकी है, ऐसे बयान यहां पर सामने आते हैं। लेकिन सारे दावे जो हैं वो यहां पर पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आशुतोष तिवारी रहवासी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी। आशुतोष जी, बारिश गिरने से कई समस्याएं यहां पर सामने आ रही है और खासतौर पर सड़कों पर और हर इलाकों में पानी भर गया है। क्या समस्याएं आपको इस दौरान आ रही है और किन दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं? जी मैम, अचानक से जब बारिश में एकदम तेज हो जाती है तो इसमें हम लोग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी नाले हैं और गली कुपचे हैं वो इतने भर जाते हैं कि आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और इसमें आम जितने भी हैं उन लोग को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो जितने भी नालियों में गंदगियां हैं वो घर घर आंगन में भी घुस रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए स्ट्रिक्टली का कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा होते दिखता नहीं है मैम। जी आशुतोष जी, वहीं बारिश का मौसम जब आता है क्या उसके पहले निगम द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की जाती है ताकि आने वाले समय में इस तरीके की समस्याएं ना हो? क्या नाली नदी यहाँ पे जो नालियां हैं उनकी सफाई निगम द्वारा की जाती है आपके क्षेत्र में? अपर किया जाता है मैम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह जाता है जी। जहाँ तक है कोशिशें पूरी तरीके से की जाती है, लेकिन कई कई जगह ऐसा है कि करने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसे समस्याएं आती है जिनको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है जी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उसमें सही ढंग से जो चीज प्रॉपरली होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसी कारण ऐसे लगता है कि इलाके गड्ढे होने की वजह से जी
गली कुचकों में पानी भर जा रहा है मैम, और जी घर के अंदर भी पानी चला जा रहा है जी। आशुतोष जी, वहीं आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने बताया कि कुछ कमियां यहां पर रह जाती है, क्या लगता है क्या वो दिक्कतें हैं या क्या वो कमियां हैं जिनके कारण आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? मैम, घर से बाहर निकलते नहीं बनता मैम, वहां पर ऐसा लगता है कि इनहाइजेनिक टाइप का, मतलब नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है जी। तो और उसी पर हमारी जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं निकल पाती है जी, और ये बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है मैम, और जो नालियां का पानी है और घर घर में घुस जाता है जी, तो ये सभी परेशानियों को आमतौर पर झेला जा रहा है मैम जी। आशुतोष जी, काफी गंभीर समस्या है, जरा बारिश में ही इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन रही है। वहीं निगम से आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं कि किस तरीके से जो तमाम परेशानियां आ रही है उनसे आपको निजात मिले, आपकी क्या मुख्य मांग है नगर निगम से कि यहाँ पर आपको क्या सुविधाएं मिले? मैम, मैं यही मांगना चाहूंगा कि ये ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि थोड़ा से जो नालियां हैं उनका जो जिसमें पानी बहाव है उसको थोड़ा से चौड़ा किया जाना चाहिए जी। और थोड़ा से उसको विस्तृत थोड़ा गड्ढे करना चाहिए और उस साइड को प्रॉपरली ढकना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह में मवेशी कुछ न कुछ उम्मीद लेकर जानवर जो है वहां पर आते हैं खाने वाने के लिए, लेकिन वो उनके लिए भी ऐसा हो जाता है कि उसमें गिर ना जाए, इसलिए वहां पर को थोड़ा से चौड़ा और उसको ढक के रखना चाहिए, ये मैं मांग करना चाहूंगा मैं। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आकाश तिवारी MIC सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। आकाश जी, रायपुर की फिलहाल ये हालत है कि जरा बारिश में वहां पर कई इलाकों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान है, लोगों के घरों में तक पानी यहां पर भरा हुआ है। क्यों इस तरीके की समस्याएं आती है जब निगम द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं कि तमाम जो सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं बारिश के पहले की जानी चाहिए वो कर ली गई है, उसके बावजूद इस तरीके की परेशानियां आखिर क्यों आ रही है? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि चाहे वो सुनील सोनी जी बीजेपी के महापौर रहे हों, चाहे वो माननीय प्रमोद दुबे जी महापौर रहे हों, चाहे वो अभी वर्तमान महापौर एजाज ढेबर जी की कमान संभाली हो, किसी भी जनप्रतिनिधि ने कभी ऐसा नहीं दावा किया है आज तक कि शहर का जल भराव से मुक्त हो गया है, परंतु वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 15 सालों में आप देखेंगे, 15 साल पहले रायपुर की जनसंख्या थी 10 से 12 लाख, आज जनसंख्या है 20 से 25 लाख, और लोग अपने निचली बस्तियों में घरों का इतना बड़ा जाल हो गया जिसके कारण जो जल भराव की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और रायपुर नगर निगम इसको लेकर तटस्थ है, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो रायपुर नगर निगम जो भी फोटोज आई होंगी आपकी, वो सब 4 से 5 बजे की फोटोज हैं, आप 6 से 7 बजे की फोटोज मंगाइए उन्हीं स्पॉट का, जहां जहां की फोटो आपके पास पहुंची होगी या आपके कैमरामैन वहां पहुंचे होंगे। अभी आपको बता रहा हूं वर्तमान स्थिति, चूंकि मैं फील्ड में हूं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जहां जहां जल भराव हो गया था 4 से 5 बजे, लगभग 80% वहां से पानी निकल चुका है, क्योंकि एक अचानक दिन भर से जब पानी गिर रहा है और अचानक इतनी तेज बारिश हुई है, और कुछ चूंकि हमारे में भी कुछ कमियां हैं और कुछ लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे पूरे रायपुर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जा सके, लेकिन जो छोटे छोटे मकान हैं जिनको तोड़ना है, और अभी कोविड काल में लास्ट 2 साल से लोग भी बहुत परेशान हैं, तो कठोर कदम उठाने होंगे रायपुर नगर निगम को, उसके लिए वो तटस्थ है, लेकिन थोड़ा सा समय और लगेगा जी। आकाश जी, किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है, और आगे आने वाले समय में भी किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा ताकि आने वाले समय में इस तरीके की समस्याएं ना हो? मैं चाहता हूं कि जैसे ही रायपुर शहर में 3 बजे के बाद जल भराव की सूचना आने लगी सभी जोनों, तो महापौर के निर्देश पर सभी जोन आयुक्त अपने ZHO स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वार्ड में पहुंचे, चूंकि आज नमक है और एक विशेष समुदाय का आज त्योहार भी है जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन शाम आते आते हम 6 से 7 बजे के, और अभी स्थिति पूरी कंट्रोल में रायपुर शहर की, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं कहीं थोड़ा जल भराव जहाँ 25-30 साल से जो मेन मार्केट एरिया है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दुकानें बन गई हैं, घर बन गए हैं, उनको तोड़ना है, तो कुछ एक कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो हम लेंगे समय आने पर जी। वहीं आकाश जी,
आपका क्या कहना है, क्या लगता है कब तक ये जो समस्या से शहर जूझ रहा है, रहवासी यहाँ पर जूझ रहे हैं, कब तक उन्हें इस समस्याओं से निजात मिलेगी? क्योंकि लोगों की परेशानी तो जस की तस है, उनकी परेशानियों में नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 साल पहले, मैं आपको इसलिए विस्तृत रूप से पहले बताया कि जो 15 साल पहले रायपुर की जनसंख्या थी वो 14 लाख 12 लाख थी, अभी रायपुर की जनसंख्या लगभग 22 से 25 लाख है। तो लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण मकानों के लगातार बने हैं, जिसके कारण निचली बस्तियों में लोग और ज्यादा लोग रहने लग गए हैं, जिससे नाली सक्रिय हो गई है, नाले सक्रिय हो गए हैं, बहुत सारी जगह आपको जैसे आप ग्राउंड में जाएंगे तो पता चलेगा जो नाला 8 फीट का था वो कहीं पे 5 फुट का हो गया है। तो जब 8 फीट के नाले से पानी आएगा और जब वो 5 फीट में पहुंचेगा तो बट ऑब्वियस है कि वो नाला से पानी बाहर जाएगा, इस वजह से कहीं कहीं पे प्रॉब्लम दिखी है, जिसको हम लगातार अभी कोशिश करके हो सकता है आने वाले समय में आपको 1-2 साल में जितना पानी भर रहा है उससे तो कम दिखेगा, ये मेरा दावा है। जी आकाश जी, वहीं यहाँ पर जनसंख्या की दुहाई जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो जनसंख्या भी एकदम से तो यहाँ पर बढ़ी नहीं है, तो क्या ये जो समय अंतराल था इस दौरान आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 15 साल से यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार थी जी, और अभी हम 2 साल से आए, तो 2 साल में आपको बता रहा हूँ, वही तो हमारी प्लानिंग है कि आने वाले 2 साल में जो भी हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस सीजन का सबसे ज्यादा पानी आज ही जल भराव अगर इस सीजन में सबसे ज्यादा हुआ तो आज के दिन हुआ है, और आज हमने देखा है कहीं कहीं भी प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप वस्तु स्थिति देखेंगे नहीं तब तक उस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे। आज हमने कुछ चीजें हैं ली हैं, दिमाग में बैठाई हैं, उसको अभी रूट चार्ट प्लान बना के अभी उसके में काम करेंगे। जी आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। वहीं आपको बता दें, लोगों की समस्याएं तो जस के तस है, वहीं नगर निगम द्वारा आने वाले समय में दावा किया जा रहा है कि जो भी समस्याएं अभी जनता को हो रही है आने वाले समय में तमाम उपाय किए जाएंगे, और ये जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, जरा बारिश में ही यहां पर सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो दावा यहां पर किया जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके की परेशानी यहां पर जनता को नहीं होगी, और जिसके लिए तमाम प्रयास किए जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन यहां पर बात कही जा रही है अमल में कब सभी ये बातें आएंगी और कब तमाम जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए सुनिश्चित कब होगी, और कब तक ये जो लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं उन्हें कब इन परेशानियों से उनका परेशानियों का उनका समाधान कब तक होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो जनता की समस्या है वो जस के तस है, समस्या जनता की बनी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। जरा बारिश में ही हम आपको बता दें लोगों के घरों में भी पानी भर गया है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी यहां पर परेशान हो रहे हैं, काफी जद्दोजहद यहां लोगों को करनी पड़ रही है और जिसके बाद ही लोग अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। आपको बता दें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कितना ज्यादा पानी यहां पर भर गया है। वहीं लोगों की परेशानी जो है वो बनी हुई है, काफी मुश्किलों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और इतना पानी भरने के बावजूद यहाँ लोग काफी इससे परेशान हो रहे हैं। रायपुर की हम बात कर रहे हैं, कहने को तो राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर, लेकिन थोड़ी ही बारिश में आपको बता दें ये राजधानी जो है पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए दीपक जायसवाल, बीजेपी पार्षद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, निगम द्वारा यहाँ पर उनकी नाकामी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जरा बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, लोगों को काफी जद्दोजहद इस दौरान करनी पड़ रही है। कहाँ गए वो सारे विकास के दावे, कहाँ पर जो लोग अब परेशानी यहाँ पर झेल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जो तमाम समस्या है उससे निजात मिलेगी? निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर राजधानी होने के नाते भी नगर निगम की प्रशासन के पूरे टीम पूरी फैल यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर पूरे अधिकारी और कर्मचारी पूरे लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद भी नगर निगम कहीं ना कहीं विफलता की ओर दिख रहा है। हमारे मेरे खुद के वार्ड में पूरे पानी हर वाहन मोहल्लों में या घरों के अंदर घुसा हुआ, नगर निगम की टीम के पास मोटर पंप नहीं है पानी निकालने के लिए। लोगों के घर में आज भी लोग हम
लोगों से बाल्टियों के पानी निकाल रहे हैं। एक ऐसा रोड भी नहीं बचा जो सर जहाँ पे पानी ना भरा हो। समता कॉलोनी जैसा पौष क्षेत्र जो है वहाँ पे पानी से घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, दहशत का माहौल है। घरों में बरसात के पानी के साथ साथ नाली के पानी के साथ साथ सांप और कीड़े घुस के आ रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, लोग अपने घरों को छोड़ने में मजबूर हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम की पूरी लापरवाही ये देखने को नजर आ रही है राजधानी में। जी दीपक जी, वहीं यहाँ पर नगर निगम के जो लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर कहना है कि आने वाले समय में वो दावे कर रहे हैं कि ये जो तमाम समस्या का सामना वो अभी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में इसका समाधान जरूर किया जाएगा। तमाम बातें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिल्कुल इस बात झूठी बातें ये बता रहे हैं। आने वाले 15 सालों से जिस प्रकार से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर रहा है और उस समय से हमारे माध्यमों से वार्डो के बातों को उनके बीच में रखा गया है कि हर वार्डो में पानी जल भराओ। उनको सिर्फ उसी समय ही क्यों नजर आता है जल भराव की स्थिति, जब वाकई में बरसात 2 घंटे अगर पानी गिर जाए तब इनकी स्थिति यथावत समझ में आती कि इनके पास कोई संसाधन पर्याप्त नहीं है, तभी इनका चेहरा सामने नजर आता है। जी इनका चेहरा सामने नजर आता है। जी वही आपको क्या लगता है, राजधानी में रहते हुए महापौर यहाँ है, इतनी बड़ी हमारी बजट है नगर निगम की, बजट आपदा का एक अलग से एक फंड रहता है, ये कहाँ नजर नहीं आते कोई। जी दीपक जी, वहीं बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार कमी कहाँ पर रह रही है, किस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जानी चाहिए, कौन से वो काम है जो नहीं किए जा रहे हैं जिसके कारण ये समस्याएं आ रही हैं। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के अपने एसी के रूम में जो बैठे हों उनको ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, महापौर हो चाहे बड़े आला अधिकारी, इनको जमीन स्तर पे आके एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी, लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा कि आखिर पानी कहाँ से निकला जाए, लोगों को क्या परेशानी है। ये अपने चेंबरों में एसी के रूम में बैठ के ड्रॉइंग बनाते हैं वहां से, इसीलिए ये पूरी गतिविधियां ये फेल हो जाती है, इनको कहीं ना कहीं फील्ड में उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी मैं आपको आज की बात बता दूं, 2 घंटा रायपुर शहर में पानी गिरा है। आप रायपुर शहर की स्थिति देख सकते हैं कि जलमग्न किस प्रकार से हो गए। नगर निगम की पूरी विफलताओं को ये दर्शा दिया गया है। हमारे मेरे खुद के वार्ड में चारों तरफ पानी के पानी है। नगर निगम जोन क्रमांक 7 के पास मोटर पंप नहीं है पानी निकालने के लिए, ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वही हम आपको बता दें, राजधानी की हम बात कर रहे हैं जो कि थोड़ी ही बारिश में यहां पर पानी में डूब गई है राजधानी। वहीं जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी के ये हालात है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा, ये सोचने लायक है। वहीं फिलहाल इन सब समस्याओं को आखिरकार यहां पर जनता झेल रही है। वहीं नगर निगम द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर देखने में आ रहा है कि जो परेशानी है उनका सामना आखिरकार जनता कर रही है। फिलहाल के लिए एमकेएन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।